मुफ्त के सब्ज बाग दिखाकर वोट की फसल काटने का काम राजनीति में बखूबी हो रहा है। चुनावी माहौल में पार्टियां मुफ्त की सौगात खुले मन और दोनों हाथों से लुटा कर देती हैं। पिछले 5 से 7 साल में देखा जाए तो मुफ्त की रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा मिला है। भाजपा कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इसे आजमाने के बाद पंजाब में भी सफल प्रयोग किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण चुग की माने तो भाजपा ने कभी भी मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटी। साथ ही कहा कि रेवड़ी बांटकर वोट बटोरना और सरकारों को कंगाल करना गलत है। कि भाजपा ने कभी भी रेवड़ी बांटने की घोषणा नहीं की। देश का पैसा, देश के टैक्स पेयर्स का पैसा देश के विकास में लगना चाहिए, गरीबों के उत्थान में लगना चाहिए। देश की महामारी में 200 करोड़ वैक्सीनेशन हमने फ्री लगाए, आज बूस्टर डोज भी फ्री लग रही है। ये एक ऐसी पहल है कि देश के अंदर आप महामारी से लड़ने के लिए देश के टैक्स पेयर्स की मनी देश के अलग अलग कामों में खर्च करते हैं, लेकिन रेवड़ियां बांटकर केवल वोट बटोरना और उन रेवड़ियों के माध्यम से सरकारों को कंगाल करना ये गलत प्रथा है। चुनावी बिसात में मुफ्त की गोटियां बिठाकर नतीजों के समीकरण अपने पक्ष में करने की कवायद हर कोई पार्टी करती रखी है, लेकिन इसके नतीजे ये हैं कि देश के 10 राज्यों के वित्तीय हालात चिंताजनक हैं। यहां तक कि हाल ही में राजनीति में आई आम आदमी पार्टी ने भी इसको त्रुप के इक्के की तरह काम दिया। राजस्थान पर कर्ज 200% बढ़कर 5,59,000 करोड़ पहुँच गया है। देखिए प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं कभी कहते हो रेवड़े बट रही है, रेवड़े कौन बांट रहा है? जो आप जिस प्रकार से स्कीम बनाते हो रेवड़ी है क्या, या राज्य सरकारें स्कीम बनाती है कोई सोशल सिक्योरिटी के लिए? पेंशन देते हम लोग 90 लाख लोगों को पेंशन देता हूँ मैं राजस्थान के अंदर, वो रेवड़ी है क्या? ये सोशल सिक्योरिटी होती है। राजनीतिक दलों ने मुफ्त के वादों को खूब आजमाया है, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस तरफ कदम बढ़ाया है, जिस पर देखना होगा कि मुफ्त की राजनीति पर रोक कब तक लग पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे मुफ्त की रेवड़ियां। समझ गए होंगे आप, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें निर्देश देना पड़ा है, इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार अगली पेशी पे बताए हैं कि इस पे स्टैंड क्यों नहीं उठाना चाहिए और क्या स्टैंड उठाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर रेवड़ी किसे समझा जाए? मैं सत्ता में हूं, मैं जो दे रहा हूं वो मुझे रेवड़ी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वेलफेयर स्टेट में वेलफेयर स्कीम चलाऊं, लेकिन वो पैसा कहां से आएगा? बड़ी बात तो यह है कि आज राज्यों की स्थितियां ये हो गई हैं कि अरबों रुपए तो केवल बस ब्याज के चुकाने पड़ रहे हैं साल में, अरबों रुपए, वो पैसा कहां से जा रहा है? ये पैरामीटर तय करना होगा कि वेलफेयर स्कीम कौन सी और किस लेवल तक। और मुझे लगता है कि अदालत हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। ठीक बात है, आप जनता के लिए आप ये स्कीम्स लाना चाहते हैं, लेकिन जो पैसा है जो जनता के विकास पे खर्च होगा उसको आप नए तरीके से भी खर्च कर सकते हैं। ये राजनीतिक दलों को जब तक इच्छा शक्ति नहीं दिखानी होगी और इसकी डेफिनेशन एक कॉमन नहीं बनाई जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब मोदी साहब कहें कि मुफ्त की रेवड़ियां राज्यों को बंद कर देनी चाहिए, अब वो कहें कि हम बीजेपी लगातार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, तो राशन राज्य भी दे रहे हैं। वो भी ये कहेंगे जो केंद्र कर रहा है वही हम कर रहे हैं, केंद्र सिलेंडर की बात करता है वो कहते हैं कि हम दूसरी चीजें दे रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें ये नहीं होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है दूसरा कर रहा है जो गलत है, लेकिन वास्तव में कर्ज का भार बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। हमें कुछ घटनाओं से सबक लेना चाहिए, समय रहते हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर के हमारे साथ चर्चा में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ साहब, बजट विश्लेषक निसार अहमद साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष विधायक रामनारायण मीना साहब हमारे साथ हैं, भाजपा नेता मदन राठौड़ साहब हमारे साथ में हैं, सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा, कोर्ट के दखल के बाद में देखिए इस देश की एक बड़ी विडंबना कहूं मैं या फिर
समझ नहीं आ रहा कि कौन सा शब्द प्रयोग में लूं। यहाँ वीआईपी कल्चर को लेकर के जब अरविंद केजरीवाल अपनी वैगन आर में पत्ती पर रुकते दिखाई देते थे तो मीडिया अप्रिशिएट करता था। मैंने बहुत सारे नेताओं का सुना, नाम नहीं लूंगा, राजस्थान के भी कई नेताओं को सुना कि हम तो पहले से ही पत्ती पे रुकते हैं। एक सप्ताह चला, उसके बाद में देखिए जब उनकी जाजम बिस्ती है, यानी कि जब रूट लाइन लगती है, जब एयरपोर्ट से सीएम वापस आते हैं या निवास से एयरपोर्ट तक जाते हैं तो बहुत बड़ा एक टारगेट लगता है उनके साथ में, यानी कि पुलिस की बैरिकेड, जगह जगह पर नाके पे पुलिस लगेगी, कितने जवान लगते हैं, वो दूसरे चौराहे पे आपको मिलेंगे ही नहीं, सारे वीआईपी सुरक्षा में लग जाते हैं। उस दिन में बहाल बंद, ये हमारा वीआईपी कल्चर। आखिर दखल किसको करना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट को, कि लाल बत्तियां गायब हो गई। तो बहुत सारे लोगों का तो मोह ही खत्म हो गया कि लाल बत्ती नहीं है तो मंत्री बनके क्या करूंगा, मुझे को पहचानता नहीं, बत्ती की तो पहचान थी, तो क्या अभी कोर्ट ही दखल करता रहे, फिर सरकारें क्या कर रही हैं? जब समय पर महसूस होता है कि ये काम करना चाहिए तो नियम कायदे क्यों नहीं बनते? नहीं, बिल्कुल योगेंद्र जी आपने ये सही कहा कि जब सत्ता के लिए सत्ता का मोह होता है, सत्ता में आने की जो ललक होती है, उस सब कुछ तैयारी हो जाती है। अब आप एक, मैं आपको एक उदाहरण से शुरुआत करूंगा। दो दिन पहले में माननीय नितिन गडकरी जी ने एक बयान दिया कि मैं राजनीति क्यों ना छोड़ दूं, क्योंकि अब वो राजनीति नहीं रही, जब जनता की सेवा के लिए या जनहित में हम काम के लिए काम करते थे तो मैं सन्यासी लूं, ऐसा मेरा मन करता है। तो इससे मुझे लगा था गडकरी जी का नेताओं का जमीर तो जागने लगा है, वीआरपी कल्चर जो खत्म हुआ या नहीं हो रहा। और बड़े जो देवीलाल जी थे माननीय उप प्रधानमंत्री रहे हरियाणा से, उन्होंने एक बात बड़े उसमें कही थी कि सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, सेवा करने का माध्यम है। लेकिन मैं आपको बड़ी बात बड़ी करते बता रहा हूँ कि आज 90% 95% जो है, 5% आज भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है देश में, वो इसलिए है कि वीआईपी कल्चर 4-5-10-20 गनमैन आगे पीछे हो, गाँव में जाए तो 10-20 गाड़ियों का काफिला हो और वीआईपी कल्चर इस तरह से चले कि हाँ। अब इसका उदाहरण आप ये देख लो कि जब लाल बत्ती गायब हुई तो देश में करीब 1700 कुछ जगह जो आंकड़े आए थे उसमें टोल पर लड़ाई हुई, क्योंकि लाल बत्ती तो वो पहचान ही नहीं कि विधायक हैं सांसद हैं। तो फिर इस बात पे हरियाणा में तो बड़ा विवाद हुआ, हरियाणा के विधायकों ने विवाद किया कि हमें कोई ऐसा वो दिया जाए सिंबल कि हमारा पता लग जाए कि तरह से हम टोल को एकदम सीधा ही क्रॉस कर दें, वीआईपी कल्चर का ये। तो जो आप मुफ्त की रेवड़िया का जो आपने जो टॉपिक लिया, एक बहुत ही अच्छा आपने लिया टॉपिक, तो मेन ये देखो दक्षिणी राज्यों से शुरू हुआ मुफ्त की रेवड़िया बांटने का। दक्षिण के राज्यों में पहले टीवी, साड़ी, एलईडी, ये चीजें बांटना शुरू हुआ। उसके बाद इसको इन्होंने सपा बसपा ने वो किया कि लैपटॉप दे दिए, कभी क्या दे दिए। अब माननीय केजरीवाल जी ने तो फिर उसमें और भी जबरदस्त हादी कर दी, कितनी उनकी 7 चीजें मुफ्त चल रही हैं अभी। जबकि दिल्ली के व्यक्ति की जो सालाना आय 4,01,000 पर वार्षिक है पर व्यक्ति की, देश में जो 90,000 है और दिल्ली में मात्र 15% लोग बीपीएल के हैं, और जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं तो 9,500 करोड़ माननीय केजरीवाल जी दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से हर साल ले लेती है। जब आपके पास सरप्लस है, सरप्लस राज उसमें और पूरा बांटने की क्षमता रखते हैं, मुफ्त में बिजली, बस यात्रा, मुफ्त में तीर्थ यात्रा, मुफ्त में सब कुछ दे रहे हैं, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से 9,500 करोड़ रुपए हर साल के क्यों ले रहे हैं? अभी जैसे ही भगवंत मान जी ने शपथ ली, 300 यूनिट बिजली की घोषणा की तो तुरंत पहले मोदी जी के पास पहुंचे, 50,000 करोड़ की मांग कर दी, किसी कहने पर हमको 50,000 करोड़ दे। तो जब आपके पास है ही नहीं तो आप ये मुफ्त में क्यों कर रहे हैं? ये अर्थतंत्र और लोकतंत्र दोनों के लिए मेरे नजर में तो बड़ा ही घातक, श्रीलंका, ग्रीस जो ये देशों में हुआ वो हालात पैदा होने वाली स्थिति हो रही है। और ये केवल देव केजरीवाल जी की इनकी बात नहीं, आपके राजस्थान में देख लो, छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए का धान खरीदा है, और यहाँ बिजली का भी देख लो, राजस्थान में अभी सारे कितनी महिलाओं को 1.5-2 लाख कितनी महिलाएं जिनको फ्री में मोबाइल फोन की भी इनकी स्कीम है। तो ये बीजेपी हो या अब हिमाचल में बिजली की जयराम रमेश जी ने कह रही है बीजेपी गवर्नमेंट है वहां,
तो ये सत्ता के लिए है, मेरा मानना ये है कि लोगों को लुभाओ। बिल्कुल, मैं वापस आता हूँ आपके पास, मैं वापस लौटूंगा। निसार अहमद साहब का रुख करना चाहूंगा। निसार साहब, पहले भी हम एक बार बात कर चुके हैं, बजट जब आया था कि पैसा आएगा कहां से, लेकिन वेलफेयर स्टेट की डेफिनेशन में यही कहा जाता है कि वेलफेयर स्कीम्स जनता के लिए समर्पित होते हैं, वो आएंगी। और मैं अक्सर सुनता हूं मुख्यमंत्रियों को कि अगर हमने कर्ज भी लिया है तो हमने उससे घी तो पिया नहीं है, ये तो वेलफेयर के लिए काम किया है, असेट्स खड़े किए हैं, हमने डेवलपमेंट किया है, उसकी डेफिनेशन यही है। तो क्या माना जाए कि वास्तव में इसमें एक बड़ी बहस है कि रेवड़ी कल्चर जिसको बताया जा रहा है उस पर लगाम लगाया जाए, या फिर ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा? चलने को तो ऐसे ही चलेगा सर, जो जो लोग पावर में है वो लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। उन लोगों को तो आप मतलब रोकने का, जनता के पास तो एक 5 साल में वोट देने का हक है, तो वोट से पहले अगर उनको कुछ अच्छी घोषणाएं सुनने को मिलती हैं तो खुश हो जाते हैं। लेकिन बाकी तो जो लोग पावर में हैं वो लोग जो करेंगे वही होगा। अब रही बात कि ऐसा कोई कानून तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के लिए ये अच्छा, चुनाव आयोग के लिए ये ठीक नहीं है कि चुनाव आयोग के रहते हुए चुनाव से पहले खूब सारी घोषणाएं होती हैं और वो पूरी होती हैं नहीं होती हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। तो चुनाव आयोग गाइडलाइन बनाना चाहिए, उनको गाइडलाइन बनाना चाहिए, भारत सरकार को अगर कानून बनाते हैं तो कानून बनाना चाहिए कि घोषणाएं किस हद तक हो सकती हैं और उनको पूरा करना होगा। एक तो ये बात है, या अगर चुनाव आयोग कोई गाइडलाइन बनाए, अगर कानून नहीं बनता है तो चुनाव के टाइम पे जो घोषणाएं होती हैं चुनाव से पहले उस पे उसकी वो एक उनको एक मॉनिटर करने का रास्ता निकल सकता है। दूसरी बात ये है कि लोन लेना और कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, फिर भी ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। केंद्र सरकार एक पूरा सेंट्रल विस्टा बनवा रहा है जिसका पता नहीं 20,000 करोड़ का बजट तो अभी है, पता नहीं आगे कितना होगा। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें लगता है कि भाई ये तो अभी इतना ज़रूरी नहीं था, जब कोरोना था, इतना संकट का समय था, इतना मुश्किल था, सरकारों का जो रेवेन्यू कलेक्शन कम हो गया था क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, आर्थिक कार्यकलाप रुक गए थे, तो सरकारों का जो राजस्व आय था वो कम हो गया था, तो ऐसे समय में ये जो कार्यक्रम था वो कितना ज़रूरी था, सोचना चाहिए हमें। उसी तरह से हमें सोचना चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, पोषण, खाद्य सुरक्षा, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारियां सरकार को पूरी करनी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक भारत का संविधान है जिसमें कहा गया है कि कुछ चीजें फंडामेंटल राइट है, कुछ चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कही गई हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें कही गई हैं, तो वो पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो पूरा करने के लिए वो कुछ योजनाएं चलाते हैं, कुछ स्कीम चलाते हैं, तो उनका वेलकम किया जाना चाहिए बिल्कुल ही। लेकिन अगर कुछ ऐसे खर्चे हैं सरकार के जो जिनको अनप्रोडक्टिव कहा जा सकता है कि इस खर्चे से कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई इससे सरकार इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, कोई इससे रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, कोई इससे किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनपे जरूर सोच समझ के। आपको लगता है निसार साहब आपको लगता है कि राजनीतिक दलों को खुद को ही सेल्फ मोटिव, एक ये कहूं कि अपना खुद का एक प्रसंज्ञान लेना होगा कि हमें ये गाइडलाइन तय करनी चाहिए कि क्यों दिया जाए किसी को? चलिए मैं मान के चलता हूं कि एजुकेशन पे आप खर्च करिए, भारत का भविष्य निखरेगा, आप चिकित्सा पे खर्च करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब किसी को आवश्यकता नहीं आप स्मार्टफोन दे रहे हैं, आप किसी को दे रहे हैं कि चलिए साहब हम ये भी दे देते हैं, हम वो भी दे देते हैं, अब ये क्यों? कहीं तो एक लगाम लगाना होगा। मुझसे पूछ रहे हैं सर आप? जी निसार साहब, तो ये राजनीतिक दलों को खुद को तय करना होगा कि हाँ एक लिमिट तय करनी पड़ेगी हमें? नहीं सर, मैंने तो वही कहा, मैंने तो इन सवालों का जवाब दे दिया आपको। मैंने कहा कि
कुछ चीजें हैं जो सरकार को करनी उनकी जिम्मेदारी है। मैं वही कह रहा हूँ, आपने जो कहा कि जो जरूरत की चीजें नहीं है कई बार उनको भी लोग दे रहे हैं, तो ये राजनीतिक दलों को तय करना। ऐसा कुछ है, अगर ऐसा है जो जिसको अनप्रोडक्टिव समझा जा रहा है, जिससे ये समझा जा रहा है कि उससे ना तो रोजगार में वृद्धि हो रही है ना तो उससे देश की राज्य की देश की आर्थिक स्थिति में, अब तो उनको पहचान करके और उनपे जरूर रोक लगानी चाहिए। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मैं रामनारायण मीणा साहब का रुख करना चाहूंगा। सर क्या लगता है आपको, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रेवड़ी कल्चर बंद करना चाहिए राज्यों को, लेकिन राज्यों को ही क्यों, केंद्र को भी करना चाहिए वो तो, या फिर ये तय कर देना चाहिए कि केंद्र देगा राज्य बंद कर दें। तो बात लेकिन दूसरी है, सुप्रीम कोर्ट भी अब इसमें दखल दे रहा है, क्या वक्त आ गया है कि हमें ये तय करना होगा कि कहां आवश्यकता है हमें वेलफेयर स्कीम चलाने की और कहीं है नहीं जिसकी को आवश्यकता ही नहीं है, कि हम क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं वहां पे। अगल जी ये बहुत अच्छे समय पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है और ये सही है, वेलफेयर स्कीम्स रेवड़िया नहीं है, स्मार्टफोन बांटना रेवड़िया, लैपटॉप बांटना रेवड़िया है। यदि गरीबों अनोखी योजनाएं है जैसे आज राजस्थान में किया गया है, बिजली एक यूनिट तक बिजली का बिल नहीं आएगा, तो वो पूंजीपति के पक्ष में नहीं, गरीबों अनोखी योजना है। लेकिन यदि कहीं इस तरह की बातें होती है कि आपको ये चीज दी जाएगी, साड़ी दी जाएगी, ये रेवड़िया है और ये चीजें प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेट से जिस तरह से जारी आज एक और माहौल हो रहा है। हम बात तो करते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी की, आज मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, एनटीपीसी में कोई कार्यक्रम था, उसमें स्टेट की को जिम्मेदारी दी गई थी कि इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाओ, उसमें कहीं भी बिजली के मामले में था 1960 में आदरणीय नेहरू जी ने जब कोटा बैराज का उद्घाटन किया, तब हाइड्रो का भी साथ का साथ था आपका जवाहर सागर बांध में, आरएपीपी में एटॉमिक पावर था। तो ये चीजें आज वन एक तरफा सारी चीजें हो रही है, यही चीफ मिनिस्टर करने जा रहे हैं कि वो श्रेय लेना चाहते हैं किसका, जनता के पैसे का। वो अपनी तनख्वाह कभी नहीं छोड़ेंगे, अपनी सुख सुविधाएं कभी नहीं छोड़ेंगे, आम जनता का ध्यान रखा जा करके स्टेट को कर्जे से निकाल, जैसे एक नई चीज पैदा हो रही है आज देश को बेचा जा रहा है। 1964 में भारतीय खाद्य निगम की इसलिए स्थापना की गई थी कि वह किसानों का माल ले। आज भारतीय खाद्य निगम की स्थिति कमजोर होने से आज लहसुन की खरीद नहीं हो रही है, दे डिसाइड कर दी 2946, एक पोथी लहसुन की नहीं की गई। तो ये किसानों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, आज भारतीय खाद्य निगम बेच दिया जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा, पूंजीपति की ग्रिप में चला जाएगा। तो इसके साथ का साथ ही जो हमारी संपत्तियां बेची जा रही है, वो संपत्तियों पे भी रोक होना चाहिए। कोई भी सरकार देश की संपत्तियां नहीं बेचे, उनको ठीक ढंग से मेंटेन करे। आज 26 तो इन्होंने पूंजीपति को दे दी, मित्रों को दो, किसी को भी दो, लेकिन ये जो संपत्तियां बेची जा रही देश की, इससे देश कमजोर होता जा रहा है। आज जब मैं एमएलए बना था, मुझे चित्र से याद है, 29 रुपया पर डॉलर रेट थी, आज कहां पहुंच गए हम। हमारी वैल्यू जो है मनी की, परचेज पावर जो है वो खत्म हो रही है। देश को आगे बढ़ाने के लिए सब्ज बाग हम दिखा रहे हैं, ये सब्ज बाग दिखा करके हम रियली में देश को चलाना सीखना चाहिए, स्टेट को चलाना चाहिए, और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है देश की पार्लियामेंट जो जिस तरह की भी बात कर रही है वो ठीक ढंग से करे। माननीय प्रधानमंत्री जी चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो खुद भी इन चीजों से परहेज करेंगे, स्टेट्स को अपने आप परहेज करना पड़ेगा, वहीं से गाइडलाइंस होती है, क्योंकि देश एक है और संघीय ढांचा है। ये जिम्मेदारी ज्यादातर माननीय प्रधानमंत्री जी की आती है, वो खुद अपना प्रचार करना छोड़ दें। आज बहुत अच्छा कहा गडकरी जी ने गांधी जी का नाम लेकर के देश में, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के भाषण में कहीं भी महात्मा गांधी का नाम नहीं आता, जब जरूरत पड़ती तब ले लेते हैं, कहीं भी इंदिरा जी का नाम नहीं आता जिन्होंने 1974 में अणु विस्फोट किया और विश्व में हमारा देश छठे नंबर पे चला गया, कहां जा रहा है, दर्जन नीचे जा रहा है। तो ये जो चीज मैं वापस आ रहा हूँ। देखिये चिंता इस बात को है कि हमारा कर्ज बढ़ता जा रहा है और कर्ज बढ़ जाएगा तो मुझे लगता है कि बड़ी स्थितियां विकट होंगी, और जो आज एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति कर्ज में जो इजाफा होता जा रहा है निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और अगर हम देखेंगे ऐसे घाटे के बजट जिसको हम वेलफेयर स्टेट की बहुत ही डेवलप एक रूट प्लान अगर उसको मान के चलेंगे, मुझे लगता है कि वो गले उतरने वाला नहीं, ये आपको तय करना होगा।
कि स्कूल में बिल्डिंग चाहिए हम वहां पैसा खर्च करें, समझ में आता है। सड़क चाहिए आपको चलने के लिए, वहां समझ में आता है। लेकिन दूसरी चीजों पे क्यों? अगर आपको लगता है कि कोई गरीब है उसको आपको खाना देना है, वो समझ में बैठता है। लेकिन अब स्मार्टफोन भी आप दे रहे हो उसको, पूरा 1.5 साल तक का रिचार्ज करा के भी देंगे। वसुंधरा जी के वक्त भी इसी तरह से कुछ स्कीम्स सामने आई। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिसमें मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है। प्रमोद जी जो बात कह रहे थे साउथ से ये सिलसिला शुरू हुआ, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, चौधरी देवीलाल जी, बंसीलाल जी, और जो वक्त था उस समय की मैं बात कर रहा हूं, हरियाणा के अंदर जब चुनाव होते तो लोग 2 साल से पहले बिजली के बिल जमा कराने बंद कर देते थे कि अनाउंसमेंट होगा सरकार माफ कर देगी। तो ये कल्चर बहुत पुराना है, इसको आपको तोड़ना होगा। और ये जब देश की आजादी के लिए किसी ने बलिदान दिया तो अच्छे सुधारों के लिए भी कोई बलिदान दे दे, अगर सरकार किसी की चली भी जाए तो लोग अप्रिशिएट तो करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये भरोसा नहीं है कि अप्रिशिएशन से दूर लोग हमें कहीं भूल नहीं जाएं कि इन्होंने तो मरवा और दिया, हमारे को जो कुछ खाते पीते थे वो भी साफ कर दिया। मदन जी क्या लगता है आपको कि वक्त आ गया कि कुछ सख्त निर्णय करने चाहिए, और वेलफेयर स्कीम्स क्या है ये राजनीतिक दल तय करें कि चुनाव में तो आप लोगों को जाना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो आगे बढ़ करके ये तय कर दिया कि अब घोषणा पत्र में मुफ्त वाले वादे नहीं करेंगे, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन आप देखिए पुराना इतिहास आप जो बता रहे थे, उस इतिहास में यदि रामनारायण जी भी जानते होंगे, प्रमोद जी और आप भी जानते होंगे कि मुलायम सिंह जी ने एक बात कही थी कि हम युवाओं को नकल करने की छूट देंगे। ये किस प्रकार का एक ये नहीं, ये सब अपने को पता है कैसा लालच देने का काम कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, इसको रोकने की जरूरत है। और यही नहीं, ये मैं सोचता हूँ कि ये अभी जो समस्या आ रही है, चाहे श्रीलंका की स्थिति देख लो, चाहे पाकिस्तान की स्थिति देख लो, या अड़ोस पड़ोस में हम उससे सीख ले सकते हैं। ये विषय अभी जो दिया है ये चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच का है। चुनाव आयोग को ये तय करना चाहिए कि प्रलोभन की श्रेणी क्या है, किसको हम प्रलोभन मानते हैं। यदि कोई चुनाव में कोई नेता यदि पैसे बांटता हुआ पाया जाए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये अपन जानते हैं इस बात को। तो फिर ऐसा ही एक लिस्ट तय कर देनी चाहिए कि कौन सी आवश्यकताएं हैं जो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं में है। मैं ठीक कह रहा हूं, देखिए निसार जी ने बहुत अच्छी बात कही, प्रमोद जी ने भी बहुत अच्छी कही, रामनारायण जी ने भी पुरानी बातें याद दिलाई, ये बातें हम जानते हैं कि किस विषय को हम आवश्यकता मान सकते हैं, किस विषय को हम मूलभूत सुविधाओं में मान सकते हैं, और किसको प्रलोभन की श्रेणी में लेना चाहिए। चाहे साइकिल बांटो, ये प्रलोभन की श्रेणी में आता है कि नहीं आता, लैपटॉप है ये प्रलोभन की श्रेणी में आता है कि नहीं आता, ये चुनाव आयोग को तय करना पड़ेगा कि आप इस प्रकार की घोषणा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो क्यों डर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग कह रहा है कि ये तो केंद्र को तय करना चाहिए, केंद्र तय करेगा, सर्वदलीय बैठक करके ये तय कर दिया जाए कि हम एक लिस्ट बना लें कि किस प्रकार के काम को हम उस और स्वीकार करेंगे और किसको हम और डिस्क्वालीफाई की उस श्रेणी में ले लेंगे। तो ठीक, मैं एक बात आपसे बताना चाहूंगा कि ये विषय हम सबको समझने की जरूरत है कि आज जनता को अच्छा लगता है, जैसे मुलायम सिंह जी ने कहा कि नकल करने की छूट देंगे, युवाओं को अच्छा लगा और मुलायम सिंह को जिता दिया, लेकिन इससे युवा पीढ़ी कहां चली गई, कितनी गर्त में गिर गई, इसको नहीं सोचा। ठीक इसी प्रकार से अभी जो अपन मुफ्त में बांट रहे हैं इसका असर देश की इकोनॉमी पर कितना पड़ेगा, इसको विचार करना पड़ेगा। लेकिन अभी नहीं भुगतते, अभी नहीं समझ में आ रहा, जब भुगतेंगे। लेकिन अभी आपके सामने है श्रीलंका का उदाहरण, अभी आपके सामने पाकिस्तान का उदाहरण है, इसको अपन समझ सकते हैं। इसको समझ करके यदि निर्णय लिया, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस प्रकार की घोषणा अब चुनाव घोषणा पत्र में हम नहीं लगाएंगे कि जिससे देश की इकोनॉमी पर और दुष्प्रभाव पड़ता हो, तो ये सभी दलों को मिलकर क्यों नहीं कर देना चाहिए, सभी दलों को मिलकर करना चाहिए। रामनारायण जी आप चलिए, ये देखिए डिपेंड करेगा, अभी गुजरात और हिमाचल के चुनाव है, बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। देखिए बड़ी स्कीम्स की बात है, अभी जैसे एक सवाल उठ रहा है कि सेंट्रल विस्टा की आवश्यकता नहीं थी, अभी क्यों 20,000 करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार कर रही है, तो कुछ ऐसे मैसेज होने चाहिए कि आप सड़क पे खर्च कर सकते थे, आप नेशनल हाईवे बना रहे हैं। आप एमएलए को लैपटॉप मोबाइल दे रहे हैं क्यों भाई? एमएलए को आवश्यकता नहीं है, तो ये तो लालच हुआ ना, ये तो फालतू खुश करने के लिए, अपनी पार्टी के अपने लोगों को या बाकी लोगों को शांत करने के लिए ये क्या गया, ये ठीक बात नहीं है। हाँ, घर घर सिलेंडर दिया, ये आवश्यकता थी। क्यों आवश्यकता थी?
कि उनकी आंखें खराब हो रही है, उसका असर इकोनॉमी पर पड़ेगा, इकोनॉमी पर ही ना, चिकित्सा व्यय बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी। रामनारायण जी एक सवाल पूछ रहे हैं, रामनारायण जी एक सवाल पूछ रहे हैं बीच में आपसे। मदन जी, पहले हमारी माँ बहन ने जंगल में लकड़ियां लाना बंद कर दिया था, आज सिलेंडर की इतनी महंगी कीमत होगी, देश का गरीब आदमी सिलेंडर नहीं ला पा रहा। इस पे ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री को, क्रय शक्ति बढ़ाने की जरूरत है, व्यक्ति की आय बढ़ाने की जरूरत है, क्रय शक्ति बढ़ाने की जरूरत है, वो कर रहे हैं उस दिशा में, देश का प्रधानमंत्री योजनाएं बना रहा है और चल रहे हैं। मुझे याद है, आज देखिए, आज जैसे अपन ने मतलब ये जो जैसे उत्पादन होता है उसको किस प्रकार से MSP बढ़ाया, MSP कितनी गुना बढ़ा दी, तो उसकी किसान की क्रय शक्ति बढ़ी ना, जैसे किसान को हम और सामग्री दे रहे हैं तो उससे किसान की ताकत बढ़ी, ऐसे ही रोजगार उपलब्ध कराएंगे तो व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़ेगी, व्यक्ति के पास आय बढ़ेगी, तो व्यक्ति खर्च करने की क्षमता रखेगा, तो मुफ्त की जरूरत, मुफ्त की डिमांड नहीं करेगा व्यक्ति, मुफ्त नहीं करेगा। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करी थी 7 सालों के, लहसुन की एक पोथी नहीं निकली, आपने MSP बढ़ाया, उसमें परचेज नहीं कर रहे हो, फूड कॉर्पोरेशन को बेच रहे हो, किसान का माल कहाँ जाएगा? ये मोदी जी को कहो, हम तो कहेंगे देश के नागरिक है, हमारा प्रधानमंत्री है, उसको भाषण नहीं देना चाहिए, कुछ कहना चाहिए। कुछ देश के प्रधानमंत्री ने MSP बढ़ा दी, खरीद करने का काम है स्टेट गवर्नमेंट का, खरीद क्रय नहीं है, ये फूड कॉर्पोरेशन का है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है, उसको बेच रहे हो, स्टेट का नहीं है, ये आप ये खरीद का काम भारत सरकार का है, भारत सरकार का है वो, ये तो स्टेट ले रही है, आज भी ले रही है। कृपा करिए, आप मोदी को समझाइए, मोदी को, देश का प्रधानमंत्री बन गया, 7 साल हो गए, बर्बाद कर दिया देश को। नहीं नहीं, गलत बात, सही कह रहा हूँ आपसे, गलत बात नहीं, वही कह रहा हूँ, जो है बढ़ाया है, देश को मजबूत किया है, अटल जी ने देश को नहीं बेचा, अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को नहीं बेचा, देश को बेच रहे अपन। मैं ये विषय लेना शुरू होगा, देश की इज्जत कितनी बड़ी है, प्रतिष्ठा बड़ी है, तो विषयांतर हो जाएंगे, अपने को मूल विषय पर आना चाहिए। हाँ, मूल विषय पर अपन बात करें कि ये रोके इसको, ये फालतू का जो अपन करते हैं ना, लॉलीपॉप पकड़ाने का, कोनी के गुड़ लगाने का, ये छोड़ना चाहिए। लेकिन रोकेगा कौन सर, रोकेगा कौन, सवाल ही तो यही है, रोकेगा कौन? रामनारायण जी और हम सब, प्रमोद जी और निसार जी और हम सब मिलकर के, और विशेष रूप से मैं मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने भी विषय ठीक लिया। सर, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ कि मैं अभी निसार साहब से यही सवाल कर रहा था, क्या राजनीतिक दलों को सेल्फ कोई, ये मैं तो सेल्फ बिहेव की बात करूंगा इसमें, कि आप क्या खुद कोई गाइडलाइन खुद के हिसाब से तैयार नहीं होनी चाहिए, सेल्फ गाइडलाइन कोई बने कि हाँ बिल्कुल हम ये चीजें तो देंगे और ये नहीं देंगे, ये जनित में नहीं है। बिल्कुल, ये सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। हाँ। और इसमें एक परसेप्शन वाली भी बात है, देखिए जैसे अब लैपटॉप है या स्मार्टफोन है, MLAs को तो जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में डिजिटल डिवाइड है, कुछ लोगों को इंटरनेट तक एक्सेस है और कुछ लोगों को नहीं है, तो अगर उसमें शुरुआती दौर में ऐसे बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को अगर ये सब चीज दिए गए थे तो उससे उनको फायदा हुआ होगा, उसका फायदा उन्होंने उठाया और उससे वो सोशल मीडिया में गए और उससे, और राजनीतिक दलों को भी फायदा हुआ, उन्होंने अपने अपने पसंदीदा राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया पर सपोर्ट भी किया, तो वो एक दूसरी बात है। तो हमें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या मुफ्त की रेवड़ी है और क्या जरूरी है, इसके परसेप्शन भी अलग अलग हो सकते हैं, मेरा परसेप्शन आपके परसेप्शन से अलग हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी ए है और पॉलिटिकल पार्टी बी है, उनका परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन ये सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, कुछ ब्रॉड गाइडलाइन होने चाहिए कि आप बहुत ज्यादा, आप आसमान और चांद तारे का वादा नहीं कर सकते चुनाव में, चुनाव में आप ऐसी चीजों का वादा कीजिए जो व्यवहारिक तौर पे किए जा सकते हैं, एक, और जो जरूरी है, जिनका जरूरत है, गैर जरूरी या जिनसे कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है पूरे इकोनॉमी को, पूरे सोसाइटी को, पूरे अर्थव्यवस्था को, उसको करने से नहीं होगा। तीसरा चीज, जैसे दो चीजों में लिंक भी बनता है, जैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो गरीब महिलाएं चूल्हे पे खाना बनाती थी उनको सिलेंडर उपलब्ध कराया गया उज्ज्वला योजना के तहत, जिससे उनको
धुएं से निजात मिला, लकड़ी चुनने जाने से दूर जाके चुन के लाने से निजात मिला, लकड़ी खरीदने से निजात मिला कुछ दिनों तक। लेकिन आज वो अब गैस का दाम ही इतना ज्यादा हो गया कि उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही है, कई कई बार से उन्होंने रिफिल ही नहीं करवाया। तो एक हमने काम किया उसका फायदा सर लोग उठा सके, उसके लिए जो जरूरी परिस्थितियां हैं वो भी बनानी पड़ेंगी हमको, कि जो हमने एक वेलफेयर का काम किया था उसका लोग सचमुच फायदा उठा पाए। वो परिस्थितियां भी हमें बनानी पड़ती हैं, क्योंकि हर चीज कोई चीज दूसरी चीज पर डिपेंडेंट भी होती है, निर्भर भी होती है। बिल्कुल, मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। निसार साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए ये राजनीतिक दलों को खुद को तय करना होगा, चुनाव तो यही लोग लड़ते हैं कि ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सख्त निर्णय की बात है। लेकिन हमारे जब चुनावी चौमासा लगता है, यानी कि चुनावी मौसम आता है, उस वक्त केवल हम बहुत बार कहते हैं कि अपराधी कैटेगरी के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब टिकट बांटने का वक्त आता है दिखता है कि जिताऊ तो ये हिस्ट्री सीटर ही है, तो दागी हो चाहे बागी हो जिताऊ होना चाहिए क्यों, हमें सरकार बनानी है। तो आपको लगता है कि ये बड़प्पन राजनीतिक दल दिखा पाएंगे, और दिखाएंगे तो मुझे लगता है कि ये जनहित में होगा। मुझे मेरा अपना मानना है, जैसे निसार साहब ने कहा कि सबका अपना अपना मत होता है, तो मेरा अपना मत है कि ये जनहित में ही होगा। देखो योगेंद्र जी, मुझे तो 1% भी नहीं लगता कि कोई राजनीतिक दल इसको खत्म कर पाएगा, बल्कि ये बढ़ेगी। आदरणीय मदन जी ने बात रही बहुत अच्छी कि चुनाव आयोग क्यों नहीं करता। जब हम चुनाव लड़ रहे होते हैं, किसी के पास शराब पकड़ ली और किसी के पास पैसे पकड़ लिए, तो लालच ना दे मतदाता को, चुनाव आयोग का ये कहना है। जब तो लालच, तो ये लालच नहीं है, घोषणा पत्र में आप लिख दो तो ये लालच नहीं है। तो चुनाव आयोग इसमें पहल करे, सब पार्टियों के घोषणा पत्र को खुद मंगाए, फिर उसको पास करे, ये मैं करूंगा, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। जवाबदेही होनी चाहिए घोषणा पत्र के। राजनीतिक दल तो कतई नहीं करेंगे, हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि राजनीतिक दलों को चाहिए सत्ता। आप ये बताओ कि अपराधीकरण रोकने के लिए कितनी वो हुई, कितना अपराधीकरण, कितने रुक गए, आज कितने का अपराधी बताओ है या नहीं है, MLA MP कहाँ रुक गए। जो मदन ये बात कहते हैं बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है कि चुनाव आयोग मंगाए ना एजेंडे, उसको चुनाव आयोग उसको पढ़े, चुनाव आयोग स्वीकृत करे कि ये आपकी श्रेणी में आता है, लालच की में ये नहीं आता। तो जब अपना आप जवाब देते हो जाएगी राजनीतिक दल से। और अगर मान लो फिर उसमें ये भी तय करें कि आप अपने घोषणा पत्रों कितने दिन में पूरा, कितने साल में करेंगे। अगर आपने 4 साल में इतना % नहीं किया, 3 साल में इतना % नहीं किया, तो चुनाव आयोग को लेने का अधिकार बने। अब ऐसे राजनीतिक दल तो कत्ते ही इसको नहीं मानेंगे कि हम रेवड़ियां ना बांटे, ये रेवड़ियां तो और बढ़ेंगी, आप देख लेना। ये कोई बिजली मुक्त हो रहा है, चाहे मोदी जी ने रेवड़िया कह दियो, मोदी जी का भी गुजरात में पंगा हो गया तो आपको दिखा देंगे रेवड़िया बांट दे। रेवड़ी क्या, आप बड़े बड़े राव के राजस्थान का कलाकंदी बढ़ जाए क्या पता। तो सर ये तो ये है ना, ये कहने के वादे अलग हैं और वो अलग हैं, लेकिन इसमें एक है, जनता इसको नहीं समझ रही है, क्योंकि जो रेवड़िया वो खा रही है ना, वो उनकी है। वो घर से निकलते हैं तो बस टिकट पे टैक्स, पानी की बोतल खरीदो उस पे टैक्स, आपने पेट्रोल भराया उस पे टैक्स, आप दिन पे निकल के 5-10 बार टैक्स दे देते हो, तो वही तो आपके पास लौट के आ रहा है रिसाइकलिंग, वही तो आपको बांट रहा है केजरीवाल जी और कर रहा है सरप्लस स्टेट। सबसे बड़ी बात तो वही है कि जनता को खुद को समझना होगा कि ये मेरा पैसा घुमा के मुझे ही दिया जा रहा है, और जिसमें ठप्पा किसी और का लग रहा है। और कहते हैं भाई इनकम टैक्स पे ही दे रहे हैं, इनकम टैक्स थोड़ी एक्साइज से भी आ रहा है और चीजों से भी आ रहा है। आप किस चीज पे टैक्स नहीं दे रहे? आप साबुन खरीदते हो टैक्स दोगे, पेस्ट खरीदो टैक्स दोगे, ब्रश खरीदो सुबह की, आप चश्मा कुछ पे भी खरीदो आपको टैक्स दे रहे हो। तो ये जो पैसा है यही तो पब्लिक को मिल रहा है ना, कि फ्री में ये दे दिया, फ्री में वो दे दिया, किसी को कम मिल गया, किसी को ज्यादा मिल गया। हाँ, वेलफेयर की स्कीम जो माननीय रामनारायण जी बोल रहे थे, वेलफेयर की स्कीम जो गरीब जनता का मामला था, वो तो देखो पब्लिक के लिए होनी चाहिए। जब एक विधायक 12 बार चुन के 12 पेंशन ले सकता है ना, तो जो गरीब शोषित है, चलो वो उनका उद्धार के लिए 90,000 रुपया हमारी पर कैपिटल इनकम है देश की, है ना, तो दिल्ली में जरूरत थोड़ी है जहाँ 4,01,000 रुपए देश में जरूरत है। तो इसमें इस बारे में सोचना होगा, इसमें पैरामीटर तय करना होगा कि ये चीजें हम कर सकते हैं, ये
चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रामनारायण जी और मदन जी के पास नहीं जा पाऊंगा। तो हम ये एक प्रासंगिक किस वजह से समझते थे इस मुद्दे को कि एक चर्चा है, होनी चाहिए। हमारे मैनेजमेंट ने एक बार ये बात कही भी थी कि जवाबदेही होनी चाहिए कि आप मैनिफेस्टो जारी कर रहे हो उस पर कोई एक गाइडलाइन आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप ये मैनिफेस्टो जारी कर रहे हो, ये बाध्यता है, आपको करना पड़ेगा, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है ये, क्योंकि आप वादा कर रहे हो और वादा करके और उसे पूरा नहीं कर रहे तो एक तरह से चीटिंग है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टो को देख करके वोट दिया है लोगों ने, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसे पूरा कैसे करना है। ऐसे नहीं कि ये तो चलिए चलेगा, ऐसे चलेगा नहीं, लोगों को समझना चाहिए, लोगों को खुद को पूछना चाहिए कि ये पूरा कैसे करेंगे। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जिसे रेवड़ी समझते हैं या फिर वेलफेयर की स्कीम समझते हैं, आप ये तय मान के चलिए कि अगर उधार लेके घी पी रहे हैं तो आप पहलवान बिल्कुल नहीं बन सकते, वो तो काम तो वही आएगा जो घर का दीना और आप उसको दो रहे हो तभी काम आ पाएगा, नहीं तो फिर आप ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो आप समझने की कोशिश करिए, ये रिफॉर्म्स का युग बेशक है लेकिन अवेयरनेस का भी है, आप जागरूक नहीं रहेंगे तो ये सब चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी जिसपे आज हम बहस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। ये इसका मजमून वही है कि आप जो इस हाथ से जो घुमा के दे रहे हैं वो आप खा रहे हैं, वो होनी नहीं चाहिए। एजुकेशन पे खर्च होता है समझ में बैठती है, हेल्थ पे खर्च होता है समझ में बैठता है, लेकिन दूसरी स्कीम से आप उसे जस्टिफाई तो करेंगे कि आप क्यों खर्च करना चाहते हैं यहाँ पे, ये जनता जवाब मांगनी चाहिए और मांगने लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।